न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पीने के गंदे पानी की सप्लाई होने से लोगों को खांसी खांसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी शिकायतों का निवारण भी नहीं हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। तीन चार दिन से आ रहा है। किसी को बोला आपने? बोला सुरेश को। सुरेश को बोला? इतना गंदा पानी पिया जाता है क्या? है क्या जिएंगे कि मरेंगे? पहले तो बीमारी से परेशान है, फिर ये पानी से परेशान है। आम आदमी कहाँ जाएगा? ये दो दिन तीन दिन हो रहा है पानी खराब। क्या समस्या हो रही है आपको? ये तो बहुत परेशान है कि गंदे पानी कैसे पानी पिए। तो फिर आप कहाँ से पानी लाते हैं? हेडपम्प से लाते हैं हम तो। कितने दिन से ला रहे हो हेडपम्प से? दो दिन हुए। आपने किसी को बोला क्या? किसको बोला क्या? किसको बोले? वार्ड नंबर 5 में न्यू हाउसिंग क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में 3 से 4 दिन से बिल्कुल पानी खराब आ रहा है। मैं घर घर घुमा हूँ, पानी पीने लायक भी नहीं है। और आज कोरोना महा जैसी बीमारी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है पीने के लिए। मजबूरन हेडपम्प से पानी लाना पड़ता है। और इसके लिए मैंने सभापति को भी बोल दिया है, अधिकारी को बोल दिया, लेकिन अभी तक सुधार नहीं हुआ। आपका पूरा नाम? सूरज चंद्र कलाल, पार्षद। गंदा पानी आता है ये आज की समस्या नहीं है, हर साल की समस्या है। ना बीजेपी ना कांग्रेस, इसमें क्या है, वैसा नेताओं को थोड़ी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये जो हर साल समस्या नहीं आए। तो कर्मचारियों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस पानी पे, गंदे पानी पे ध्यान दिया जाए।